आप स्टेबिलाइजेशन देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि गिम्बल से वीडियो बन रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और दोस्तों आप सभी कैसे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों आज का टॉपिक है शुड वी बाय आईफोन और नॉट, क्या हमें आईफोन खरीदनी चाहिए या नहीं, और इसके क्या प्रोस एंड कंस है, यानी कि इसके क्या गुण और दोष है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। जैसा कि दोस्तों यह वीडियो शूट हो रहा है आईफोन 12 के फ्रंट कैमरा से, और आप पीछे की तरफ देख सकते हैं अच्छा खासा व्यू कैप्चर करता है। और दोस्तों थोड़ी बहुत कैमरा हिलती भी है, लेकिन स्टेबिलाइजेशन अच्छी खासी है फ्रंट कैमरे में, और बैक कैमरे में तो बिल्कुल गिम्बल की तरह है, लेकिन फ्रंट कैमरे में भी अच्छी ही स्टेबिलाइजेशन है। लेकिन दोस्तों यदि बैक कैमरे की बात करें तो स्टेबिलाइजेशन काफ़ी अच्छी है, और यह आईफोन में ही मिलता है। हालांकि दोस्तों जितनी कीमत में आईफोन आती है उतनी ही कीमत में यह फैसिलिटी आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी मिल जाएगी, ख़ासतौर से सैमसंग में, ओप्पो वीवो के स्मार्टफोन में भी। लेकिन दोस्तों फ्रंट में भी मिले यह ज़रूरी नहीं है, बस यही एक अंतर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों मैं अभी जिस आईफोन का यूज कर रहा हूँ इसमें फ्रंट भी 12 मेगापिक्सल है और बैक भी 12 मेगापिक्सल, और बैक का जो वाइड एंगल है वह भी 12 मेगापिक्सल का है, यानी कि 12 प्लस 12 प्लस 12 का कॉम्बिनेशन है। और दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही कम फोन्स में आते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई विशेषताएँ। यदि आपको ब्लॉगिंग करनी हो तो आप आईफोन ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा इसमें बहुत सारी परेशानियाँ हैं। यदि आप कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, चाहे आप थंबनेल मेकर यूज कीजिए, काइन मास्टर यूज कीजिए, चाहे कोई सा भी ऐप यूज कीजिए, आपको परचेज करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा 2000-3000 रुपये में। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक्सटर्नल माइक सपोर्ट तो है, लेकिन डायरेक्ट हेडफोन जैक के लिए कोई जगह नहीं है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको एडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसकी कीमत 1000 है। दोस्तों अलग से आपको चार्जर खरीदने पड़ते हैं जिसकी कीमत 1800 रुपये है। इसके अलावा दोस्तों इसमें और भी बहुत सारी परेशानियां हैं फाइल ट्रांसफ़र्स को लेकर। दोस्तों आप फाइल को तुरंत ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ब्लूटूथ भी है तो इसके ज़रिए आप फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आजकल एक ऐप है शेयर करो ऐप, जिससे ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन 4 GB 5 GB तक है तो हो जाएगी, और मान लीजिए कि 10 GB है तो उसमें भी मुश्किलें पैदा होती है और कभी कभी एरर हो जाता है। और दोस्तों यदि आप लैपटॉप में फ़ाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो डायरेक्टली नहीं होगा, इसके लिए आपको iTunes डाउनलोड करने पड़ेंगे और इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपके लैपटॉप में, और उसमें भी बहुत सारे लफड़े हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है यदि आप कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र कर लिए लैपटॉप से iTunes के ज़रिए तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे, और किसी तरह मेरे स्मार्टफोन में कुछ फ़ाइल्स आ चुका है जिसे मैं डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ, फिर उसे वहीं से डिलीट करना पड़ेगा, और उतनी समझ मुझ में अभी नहीं है कि मैं इस तरीके से फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकूं, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जहां तक एंड्रॉयड फ़ोन की बात है तो यह यूज़र फ्रेंडली है, यानी आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज करना आसान हो जाता है, आप बहुत ही आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आईफोन का सवाल है तो इसमें बहुत सारे लफड़े हैं और पचड़े हैं और काफ़ी महंगे भी हैं। तो दोस्तों यदि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आईफोन लेने की सोच रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इससे अच्छा है कि आप कुछ अच्छे दूसरे फ्लैगशिप फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, सैमसंग ब्रांड का हो गया या फिर ओप्पो वीवो का हाई क्वालिटी का, 30,000-40,000 रुपये में बहुत अच्छे फ़ोन आ जाते हैं। मैंने इसलिए परचेज किया है कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है। जैसे कि दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं शूट कर रहा हूँ फ्रंट कैमरे से, लेकिन शेकिंग बहुत कम हो रही है। और दोस्तों इसमें आप फ्रंट कैमरे से भी 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 60 FPS पर, और बैक कैमरे से भी और वाइड एंगल से भी। तो दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसमें सभी कैमरे बराबर है लगभग, लेकिन दोस्तों बैक कैमरे में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलाइजेशन है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और दोस्तों यह है बैक कैमरा, आप स्टेबिलाइजेशन देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि गिम्बल से वीडियो बन रहा है जबकि मैं चल रहा हूँ, लेकिन वीडियो में बिल्कुल भी शेकिंग नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर घेराबंदी कर दिया गया है, पहले यहाँ से डायरेक्टली नीचे चले जाते थे, हो सकता है कि जानवर वगैरह घुस जाते होंगे,
तो दोस्तों आप लोग व्यूज देख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक और सुविधा है कि मैं वाइड एंगल डायरेक्टली कर सकता हूँ। यह है दोस्तों वाइड एंगल। दोस्तों यह अभी 60 FPS पर रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन जब मैं इसे अपलोड करता हूँ तो 30 FPS पर करता हूँ। यानी कि दोस्तों मेमोरी बहुत ही ज़्यादा लगती है और उतनी जीबी मोबाइल फ़ोन पर रहती नहीं है, इस वजह से 30 FPS में करना पड़ता है। यह दोस्तों वाइड एंगल। और वाइड एंगल से डायरेक्ट मेन कैमरे में स्विच कर सकते हैं। यह दोस्तों मेन कैमरा। लेकिन दोस्तों इसमें एक कमज़ोरी यह है कि आप वीडियो को पॉज नहीं कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली कट करना पड़ेगा। दोस्तों आईफोन की खास बात होती है इसकी कैमरा। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ खास बातें हैं। इसे आप पानी में डुबोकर रख सकते हैं कुछ देर के लिए, 30 मिनट्स तक। वाटरप्रूफ है। इसके अलावा दोस्तों इसमें स्टीरियो स्पीकर है और स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, तो गाना सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और पहले के एक फ़ोन जो आते थे नोकिया के 6233, उसकी याद दिलाती है। तो इसमें डबल स्पीकर है, स्टीरियो साउंड है। हालांकि दोस्तों इतने महंगे फ़ोन में किसी भी फ़ोन में स्टीरियो साउंड रहते हैं, आप सैमसंग में भी जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जहां तक फ़ोटोग्राफी का सवाल है, तो दोस्तों मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। हालांकि साफ फ़ोटो तो आते हैं, लेकिन दोस्तों हमें क्या पसंद होता है कि हम अच्छा दिखें, यानी कि कलर थोड़ा सा अच्छा होकर आए। लेकिन दोस्तों इसमें नेचुरल कलर आता है, और कभी कभी आप जब धूप में खींचेंगे बैक कैमरे से, तो आपको आप जितना काला नहीं है उससे भी अधिक आपको काला कर देगा, यानी कि थोड़ा सा ब्लैकिश टोन आता है। और दोस्तों इसमें एक तरह से रॉ फ़ोटो खींचता है, आप बाद में एडिट करके थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसी फ़ोन के मुकाबले यदि आप दूसरे फ़ोन में जाएंगे, ख़ासतौर से ओप्पो वीवो, जो कि कैमरा के लिए जाना जाता है, ख़ासतौर से फ़ोटोग्राफी के लिए, तो दोस्तों वे सब फ़ोन काफ़ी इस मामले में आगे हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ तक वीडियोग्राफी का सवाल है, तो आईफोन को बहुत ही कम फ़ोन टक्कर दे सकता है। और इसमें आप डॉल्बी विजन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वह दोस्तों आपके मोबाइल पर ही सिर्फ चलेगा, आप यूट्यूब पर भी अपलोड नहीं कर सकते हैं। अभी डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं है, HDR10 तक सपोर्ट है। इसके अलावा दोस्तों आप दूसरे मोबाइल फ़ोन पर मान लीजिए कि डॉल्बी विजन वीडियो इससे भेजते हैं, तो उसमें भी नहीं चलेगी, यानी कि उसमें नॉर्मल वीडियो बन जाते हैं। आप डॉल्बी विजन वीडियो यदि रिकॉर्ड करते हैं, तो आप अपने ही मोबाइल फ़ोन पर यानी कि आईफोन पर ही देख सकते हैं। और दोस्तों डॉल्बी विजन 60 FPS पर नहीं होता है, या 30 FPS पर होता है। दोस्तों यहाँ पर FPS का मतलब है कि जैसे अभी मैं इस तरीके से कर रहा हूँ फ़ोन, तो दोस्तों पीछे जो है आराम से स्मूथली इस तरीके से आगे पीछे हो सकता है। लेकिन दोस्तों यह वीडियो जो अपलोड हो रहा है, या 30 FPS पर हो रहा है, 60 FPS पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन YouTube पर 30 FPS पर ही मैं अपलोड करता हूँ, तो आपको वो क्वालिटी नज़र नहीं आ सकती है, लेकिन मुझे अभी नज़र आ रही है। दोस्तों अभी शाम का वक्त है, यानी कि दोस्तों इसमें सिर्फ पैसों से ही बात होती है, कोई भी ऐप इसमें फ्री नहीं है। तो मैं इसे सिर्फ एज ए कैमरा की तरह यूज करता हूँ, और इसमें ज़्यादा कुछ खास यूज नहीं करता हूँ। स्क्रीन भी थोड़ा सा छोटा है, हालांकि दोस्तों स्क्रीन क्वालिटी अच्छी है, लेकिन सैमसंग में आपको इससे भी बेटर क्वालिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों यदि आप ब्लॉगिंग नहीं करना चाहते हैं, यानी कि जनरल यूज़र हैं, तो आप 30-40 हज़ार में बहुत अच्छे फ़ोन खरीद सकते हैं, ओप्पो वीवो या फिर सैमसंग,
और भी बहुत सारे दूसरे फ़ोन हैं, और यदि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप आईफोन खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टेबिलाइजेशन बहुत ही अच्छी है और वाइड एंगल बहुत अच्छे से काम करता है, और उसकी मेगापिक्सल भी अच्छी है, और एचडी में रिकॉर्ड हो सकती है, 4K में रिकॉर्ड हो सकती है, वह भी 60 FPS पर। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि इसमें नेटवर्क की कैचिंग पावर अच्छी है, यानी कि दोस्तों नेटवर्क अच्छे से कैच करेगा आईफोन में, यह बात तो तय है। यानी कि दोस्तों कीमत लगता है तो कुछ खास बातें होती है, लेकिन बहुत मामलों में यह पीछे भी रह जाती है। तो दोस्तों यदि आप नॉर्मल यूजर है तो नॉर्मल फ़ोन ही खरीदिए, 30-40 हज़ार रुपये में आपको बहुत ही अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। आप लोग मेरे वीडियोज को लाइक नहीं करते हैं, कॉमेंट नहीं करते हैं, आपके मन में जो भी सवाल हो आप लिख सकते हैं, यूट्यूब से जुड़ा हुआ या फिर आईफोन से जुड़ा हुआ। इसके अलावा दोस्तों आप लोग सभी वीडियोज को जरूर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन मेरे वीडियोज को नहीं देखते हैं, तो कृपया करके मेरे वीडियोज को जरूर देखें, मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।